हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। एंड आज अभी यहाँ देखिए, अदिति के घर में आए हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, सो इसीलिए सुबह सुबह आए हैं। चलिए के साथ चल रहे नीचे जी। हमारा लुलू भी यहीं पे है और हमारा एक वहाँ पे, एक क्या है उसका नाम, अरे भूल गया, लेबो। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। चेरी जाओगे क्या हमारे साथ? जंप चेरी जंप। तो आज यहाँ अदिति दीदी ड्राइव करेगी बोल रही है, राइड करेगी बोल रही है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं एंड अभी बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हम लोग आज तो भीग जाएंगे, पर थैंकफुली आंटी और अंकल का रेनकोट था। सो पानी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे रेनकोट पहनना पड़ेगा। सो वहाँ वो बस स्टॉप में रोके हम लोग पहनते हैं। अरे यहीं लाए आलू ना, इतना कॉशियस होता है ना ये सब है। चेंज करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आने का संभावना। भैया तो ट्रैक सूट तो पहने हैं और फिर भी सो अभी यहाँ दलसिंह आए हैं एंड सीधा कैंटीन से। बारिश हो रहा है बहुत, भीग गए सामान वामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना अपना एंड चाउमीन खा रहे हैं। अकेले बाहर बहुत बारिश हो रहा है। तो अभी यहाँ दी और मैं आए हैं। हम लोग सोचे थे लाइक आशीमार आ ही गए तो थोड़ा बजर भी घुस जाते हैं, क्योंकि मुझे बोले तो लाइक प्लांट चाहिए था, प्लांट वाटर प्लांट। सो अगर मिलेगा तो खरीद लेंगे, नहीं है तो नहीं है। अभी यहाँ दी के साथ बीच बगन आए हैं एंड पॉकेट में दिस हेयर, हेलमेट की वजह से सब वो हो गया। एंड सो अभी यहाँ बीच बगन वो दी यहाँ आए हैं, दी सामान दे रही है, जो सामान दे रहे हैं उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग दलसिंह। वहाँ पर हम लोग के लिए पॉक का मीट रेडी भर रहा है। सो वही खाने घर का ही जो था वो सेल कर रहा है, जो हम लोग घर में खाने के लिए रखे हैं वही अदी और मैं जाएंगे वहीं पे खाएंगे। सो आगे देखते हैं, थोड़ा बारिश कम हो गया, थोड़ा सा ठंड। विलेज एयर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड पीसफुल होता है ना। फाइनली यहाँ बैक अदी दीदी के घर में एंड अभी आपका बज रहा है 3:30 हो चुका है भाई, 8 बजे निकले थे घर से। सो एनी वेज अभी सीधा जाएंगे मेरे घर में, वो मछली को खाना नहीं दिया सुबह से, सो उसको देंगे एंड फिर से रिलायंस जाएंगे वो, क्योंकि ऑयल खरीदना है, ऑयल नहीं मिला वहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगा था। सो रिलायंस से थोड़ा हम लोग को कम दाम में मिलेगा, सो वहीं पे जाएंगे उसके बाद देखते हैं। और फिर से ये सब सामान दीदी के ताई जी के पास, दीदी के कलीग के पास एंड अरे सर के पास भी ले जाना है। ये तो मौसम तो ठीक हो गया, बारिश रुक गया है, अभी तो घर नहीं पहुँचे, घर पहुँचेंगे मछली को देना भी है खाना। देखते रहे बने रहे। अभी भी पहुंचे हैं घर, सो फर्स्ट टाइम फीडिंग अर्टवर्म्स टू माय बेटा। सो लेट्स सी खाता है कि नहीं खाता है। खाने से पहले बेटा लोग अच्छे से घूमते हैं और एक बाइट ले लिया, बाइट ले लिया। सो यस इट इज, भाई खा ले, कैसा लगा तेरे को? खा लिया खा लिया। सो खा लिया अर्थबॉम्स, अब इसको नहीं देंगे दादा, इसको देंगे अब ऑप्टिमम बेटा इसके लिए। सुबह से कुछ नहीं दिया था, सो एक छोटा सा अर्थबॉम एंड 2 पैलेट्स दे दिए हैं ऑप्टिमम का। सो अभी के लिए हो गया, अब अंदर जाके देखते हैं टेट्रा को। इन लोग को भी दे दिया था, थोड़ा थोड़ा सा खा रहा है। मैं भी इन लोग को जो मैंने ग्राइंड करके दिया था बहुत ही ज़्यादा छोटा, वो नहीं खाता है। भी इन लोग के लिए भी एक पैलेट्स खरीदना पड़ेगा दूसरा अलग से। अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए एंड अभी रूम में आए तो हैं, ऑयल खरीदना है। अब आज निकल ही गए तो आज पूरा काम कर ही लेते हैं सोच रहे हैं इसलिए। एंड मम्मी पापा अभी भी दलसिंह में हैं, दीवा कलीग के पास है, सो सी विल बी कमिंग आफ्टर सम टाइम। तब तक मैं देख लेता हूँ क्या क्या खरीदना है फिर से मम्मी को कॉल करके। हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सो मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। एंड अभी यहाँ बारिश हो रहा है यहाँ पे एंड अभी जा रहे हैं आपका
अलीपुर, मेरा जो करंट कजन है उसका पासपोर्ट का काम है, पर पहले जाएंगे कालचिन और उसको हम भेटेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। बारिश के मारे सब सब गंदा हो गया। हम लोग का मार्केट देखिए ये हाल है बारिश में। तो बारिश का तो शुरुआत है, और ज़्यादा बारिश के मौसम में तो ख़त्म ही है। तो आ चुके अब यहाँ बस पे, पर 8:30 बजे चलेगा बोला था। मैंने अर्जुन को बोल रखा है कि अर्जुन करण को बोल रखा है कि हम सुबह आके बैठे हैं पर लेट बस चल रहा है बोल के। तो यहाँ पे हो गया हम लेट, नहीं तो अभी तक तो हम लोग को, मुझे तो कालचिनी पहुँचाना चाहिए था। सो एनीवेज जाते हैं अभी, अभी और 13 मिनट बाकी है चलने में। तो यहाँ पहुँच चुके हैं और करण के साथ यहाँ बाइक में है, हैमिल्टनगंज में उतर गए थे। सो ये मुझे आधा रास्ता में लेने आया था। सो ये बहुत बारिश आ रहा है, सो ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे। सो अब ये देखे रहिए, अभी लेट हो रहा है और हम लोग अभी यहाँ रेल गेट में वेटिंग फॉर द ट्रेन, ऑलरेडी गेटिंग लेट। और वहाँ आपको हेलमेट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ करण मूत्र विसर्जन कर रहा है बारिश की वजह से भाई एकदम। नजारा तो बहुत सुंदर है, पर क्या करें बहुत लेट हो चुका है, अभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बाद में आके एंजॉय करते हैं। आसमान से उड़े खजर भी अटके हुए, फिर यहाँ आके गया भाई। क्या हो रहा है हम लोग के साथ, ये 3 स्टॉप है यार, और फिर वही ट्रेन को, सेम ट्रेन को वेट करना पड़ेगा हम लोग को। माथा खराब हो गया। सो फाइनली पहुंच चुके हैं अलीपुर द्वार। अब ये बस ये ब्रिज काटना है थोड़ा सा आगे, और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे फाइनली। पता नहीं क्या होगा, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानने के लिए बने रहिए। टाइम 9:30 होगा था। सो यहाँ पहुंच गए, अभी साइड लगाते हैं। तो अभी हम लोग आए माँ बसंती होटल में खाने के लिए, बहुत भीग गया माचा। मस्त पहले आते थे, यहाँ पे भी है आपका मछली, पर पता नहीं नाम क्या। उयो पराको तो साग जस्तो लाग्यो, यो होइन होइन हो। तो यहाँ पे आपका यसलाई के पो भन्छ, कासा क्या ग्लास काम भी हो गया इसका। सो अभी गए हम लोग का खाना यहाँ पे भयो थाली इसको थाली खाना था, तो ढूंढे 15-20 मिनट चला गया बारिश में भीग के, अब नहीं मिला। सो यही खा रहे सब्जी, क्या क्या ये है, बंद गोभी, आलू, सोयाबीन आलू और बैगन है, बैगन का फ्राई, आलू फ्राई, और ये आलू का चोखा। आपको क्या पसंद है, चिकन? चिकन और तो अभी बस खाना ख़त्म हुआ हम दोनों का, एकदम अच्छा से खा लिया। अभी यहाँ थोड़ा सा राउंड मारने के लिए आए हैं आपका ये कोर्ट में ही। बढ़िया है, बस अटस मटस हो गया। सो फाइनली अब निकल रहे हैं हम दोनों, बहुत खाली है एकदम मजा से, ब्रिज में जा रहे हैं, अब थोड़ा इंजॉय करते करते जाएंगे। तो अभी पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, थोड़ा सा आराम से जाएंगे अब तो। उस सुबह आते समय तो बहुत थोड़ा जल्दी करके आए थे, अभी आराम से जाएंगे। थोड़ी देर के रुके हैं हम लोग चाय पीने के लिए, मौसम ऐसा दिखा तो भाई ने भी बोला थोड़ा सा पी लेते हैं चाय। सो मौसम भी सुहाना, लोकेशन भी एकदम परफेक्ट, सो वी आर जस्ट हैविंग टी ये दुकान में। सो अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि मुझे ये सब दिखा, सो आई थॉट मैं ले जाता हूँ मेरे अकॉर्डिंग के लिए, पर टीपे कैसे हो रहा है, ये टीप सकते हैं शायद, वो वाला अच्छा है। और जगह बहुत अच्छा है, हाँ बन तो जाते नीचे। सो आए तेरे का मछली के लिए भी क्या क्या काटना पड़ता है। अब यहाँ पे पता नहीं वो क्या लोटस टाइप का देखा, पर लोटस का तो थोड़ा बड़ा होता है, और वो कारण बोल रहा है कि लोटस है। सो मैंने मान लिया लोटस है, बल्कि सो लेकिन है ओ यो तो की हो कुछ पता ही नहीं रहता। सो पता नहीं क्या, आप लोग अगर आप लोग को पता है तो देख ली और बोलिएगा कमेंट में क्या है वो।
अब मैले यहाँ माथिबाट कसरी हेर्नु? हैन यो हैन यो डल्लो डल्लो त्यो लोटस फुल हो। यो लोटसको होइन सबै या अन्त लोटस लानु घरमा। अरे त्यो मुनि देख्दैछ सायद आफू कुनै देखाइदियो होगा। अँ वो जो पानी के अंदर जो है ना यो सबै लोटस हो। हाँ ये सब लोटस है। यस अन्त यो त लोटस द आई शुडन्ट बी टेकिंग आइकुल ए बेसिक तो नि दिवस के गर्नु हुन्छ नि त्यसले उया देख्दैछ हेर त ग्रीन कलरको यो सानो सानो यो अलिकति अँ त्यो सानो सानो पत्ता भएको देख्दैछ अँ ऊ त्यो टिप त्यसले जस्तै अब त्यो एक्वेरियममा पानीको माथिबाट हाल्दा हुन्छ यिनीहरू कहाँ देखा त नट द्याट ऊ त्यो ऊ त्यो अलिकति अगाडिको अँ त्यो आगेको होइन त्यो ऊ यस या इफ यू लव समथिङ होइन इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है देखिए गिव मी दैट तुम्हारे बैग के अंदर प्लास्टिक है प्लास्टिक हाँ अब मेरा बैग से यहाँ पे निकल रहा है कुछ नहीं सिर्फ वो प्लास्टिक है सो मैं ढूंढ तो यही रहा था If you love something, you gotta do something for them. तर लोटस निकै त एउटा वाइल्ड फ्लावर पो रहेछ तँलाई थाहा छ भयो है यी सब लोटस है दे अल आर लोटस लेट्स गो इट्स अबाउट टु रेन आज बारिश आज मौसम बहुत सुहाना है अच्छा आइडिया दिया जिसका दिमाग नहीं है वो भी थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाएगा तो एनीवेज पैक हो गया आई होप ना मर जाए आई होप सो सो इसको पहले यहाँ रख लेते हैं एंड चार्जर और ये भी यहाँ पे गोज बारिश आने वाला है चलते हैं चलते बनने तो चलिए वी डिडंट फॉरगेट एनीथिंग राइट नो तो कुछ आने का फायदा भी हुआ हम लोग जाएंगे इसमें अभी पहुंच चुके हैं सिमारा कालचिन में बाइक से उतर के और नाना भी आए थे मेरा कजिन सिस्टर दीदी सो करण और नाना करण का सिस्टर और सिस्टर गए वापस चिंचू ना सुनने बस में आ गया बहुत नींद आ रहा है सिमारा पहुंचे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है पहुंच चुके हैं जय गाँव फाइनली पर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई बारिश भाई इतना नींद आ रहा था ना और हम सोने का ट्राई कर रहे थे पर क्या कैसे सोएंगे बस में सो तो नहीं पाए पर फिर भी ये बारिश बहुत हो रहा है सो जाते हैं घर में भाई घर में जाके सीधा बेड में सोने का मन कर रहा है एकदम ब्लैंकेट के अंदर तो देखते हैं अभी मैंने मस्ती को खाना भी नहीं दिया तो अभी फाइनली बैक होम एंड अभी भाई मेरा बेटा ने इतना तरसाया ना मेरे को ये यहाँ पे छुप के बैठा है ये दोनों पत्थर के बीच में छुप के बैठा था मैं दिख रहा था पर इतना लाइट बना था हिल ही नहीं रहा था तो क्या मैं तो सोच के मर गया क्या एनीवेज अभी खाना दिया पर ज़्यादा नहीं खा रहा पता नहीं क्या हो रहा यार चार ठो पैलेट दिया था सिर्फ दो ही खाया अभी तक एनीवेज थक गए हैं पर उससे पहले जो मैंने प्लांट लिया था ये वाला सो इसको पहले वो करेंगे ओह इसको भी देना बाकी है इसको भी खाना दे देते हैं तो इसको पहले सीधा काट देते हैं तो डन अभी इसको जाके यहाँ पे डाल देंगे टैंक में डालने से पहले धो देते हैं ना इसको अच्छे से भाई जोश में तो लेके तो आ गए पर इसको सीधा यूज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा फिश के लिए अच्छा नहीं होगा सो
इसको डिक्लोरिनेट करना पड़ेगा बोल रहे थे, ब्लीचिंग वगैरह करना हो डिसइनफेक्ट करने के लिए, पर वो सब तो नहीं है, पर फिर भी एक देखते हैं दूसरा रास्ता क्या है, नहीं तो फिर एक सामान खरीदना पड़ेगा इन सब के लिए। अभी के लिए ऐसे रख देते हैं, बाद में देखते हैं क्या, हम अभी तक रेस्ट भी नहीं किया है तेरे। सो अभी आपके बच चुके हैं 9:15 एंड सो वो जो मैंने लाया था प्लांट वो वैसे बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही रखा है सारी। सो एक 10-4 hours वैसे रखेंगे, बाद में देखते हैं उसको डिसइनफेक्ट कैसे करें। सो डिनर भी हो गया, सो आज जल्दी सोने का प्रयास भी करेंगे। सो अभी के लिए गुड नाइट।